ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਐਸਨ ਸ਼ੇਖ ਲਾ ਲਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਟ ਸ਼ੇਖ ਲੱਭੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀ नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। आज मैं आया हूँ शेख दी जट्टी के ट्रेलर लॉन्च पे और मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली लैला जट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के हाल है तड़ा? ठीक हो? मैं ठीक हूँ लैला जी, आप बताएं, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, वजह क्या? वजह मैं हूँ ही प्यारी, आज मुँह तो लिया थोड़ा ये अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे बताएं ये ट्रेलर लॉन्च आखिरकार हो रहा है, पहले टीजर लॉन्च हुआ था अब ट्रेलर लॉन्च है, तो ये ट्रेन नहीं काट रहे, ट्रेन सही तरह अदा करो, ट्रेलर ना, ट्रेलर 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 अंग्रेजी वाला ट्रेलर। हाँ जी जी जी, कैसा लग रहा है? अभी मैंने ट्रेलर देखा नहीं, ठीक है फिर देख के मैं बताऊँ। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। थैंक यू थैंक यू। और कुछ पूछना? हाँ हाँ, मुझे बताएं ट्रेलर नॉट, ठीक है ट्रेलर था, तो मुझे बताएं ये एपिसोड 1 कब देखने को मिलेगा? ये मिलेगा अपना आज़ादी जिस दिन होएगी, जिमें कि मैं हरिया सूट पाया उस दिन आज़ाद करना ना, हूँ कदों का साढ़े को एपीसोड पिया, हूँ आजादी भी तो देनी है, बेचारा कैद खाने से भुखा पिया सा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़े लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है लोग करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, ऐसी प्यारी चीज़ बार बार थोड़ा ना आएगी बड़ी स्क्रीन पे। यस यस, और आप लोग आपकी ना वो लोग नेट यूट्यूब पे भी कम आ रही है, तो ये क्यों इतनी कम आ रही है, नज़र क्यों नहीं आ रही? देखिए बड़े लोग कम कम आते हैं और जब आते हैं तो फिर इन कम आते हैं, समझ आई? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं ट्रेल लॉन्च में सब लोगों का इधर इकट्ठा होना कैसा लग रहा? मुझे बहुत मज़ा आ रहा और मुझे सुकून तसल्ली हो रही, तू देख के तो मैं हौसला हो गया कसम है। मुँह तो अच्छा ही लगना है ना, वो तो वो मुझे है। मैं बड़ा ना प्राउड फील कर रही हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर वन एंड ओनली भोला रिकॉर्ड, कैसे हैं? बढ़िया भाई यार। सर ये शेख दी जट्टी के ट्रेलर लॉन्च पे आए हैं, कैसा लगा आपको ट्रेलर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या अच्छा, क्या क्या लगा? इसमें ये है, मैं पहले शापर था, अब मैं एक्टर हो गई, हीरो बन गया हूँ और पंजाबी में काम किया, बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके पुराने पुराने शापर भी जो मेरे साथ आए उन्होंने भी मेरे साथ काम किया। अच्छा, मैंने ये नोट किया ट्रेलर के अंदर आपके काफ़ी रूप मुझे नजर आए हैं, आप इसके अंदर बदमाश भी बने, आप इसके अंदर खुसरे भी बने, आप क्या क्या बने? वो गेटअप है ना भाई, सारे काम करने पड़ते हैं ना, काम है ना, एक्टिंग है ना, एक्टिंग के तो फिर सारे रोल करने पड़ते हैं। ठीक है, मुझे बताएंगे ये सारे काम आपने करने हैं, एक्टिंग वगैरह सारा कुछ, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग बेचे चौड़ू मारे, मैं क्या करूँ? अच्छा, कोई कोई तो काम छोड़ देना, आपने सिंगिंग भी कर ली है, एक्टिंग भी कर ली है, टिकटॉक कर लिया, कोई तो काम हमारे लिए छोड़ दे। ओए अल्लाह ताला दी मेहरबानी है मनु, ओए सुन ले, सब तो पहली गल पूरी दुनिया जी पपड़ी दा ब्रांड एंबेसडर है, ये अपने अल्लाह ताला दी मेहरबानी है। मुझे बताएं मुझे भी ना पबजी इंस्टॉल करना सिखा दे, मुझे नहीं आती। और मैं गड्डी से आल गड्डी चला, तुसी गड्डी सैड तो तुहानू ते इंस्टॉल करके देना मैं पबजी, ओ सैड पता है जी नहीं इंस्टॉल हुंदी लंबी है ना उठे जाके इंस्टॉल करती। अच्छा मुझे बताएं इसके बाद और एक्टिंग करने का क्या प्लान? इसके बाद घर जाके सोएंगे फिर बताएंगे क्या करना सपोर्ट के। अच्छा अभी नहीं प्लान बना, अभी भूख लगी है घर जाके सोना है। अच्छा तो हाँ वो भूख का ज्यादा जरूर, चलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू। शेख दी जट्टी, 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 शेख दी जट्टी। जी मेरे साथ मौजूद हैं शेख दी जट्टी के हीरो एहसन शेख, कैसे हैं सर? सर बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? सर मैं ठीक ठाक सर, मैंने ट्रेलर देखा मुझे तो बहुत मज़ा था, बड़ा ज़बरदस्त लगा, आपको कैसा लगा? बस मुझे ना कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि वो जो आपका बड़ा भाई है ना ट्रेलर में वो ज़्यादा प्यारा है, मैं कम प्यारा हूँ, तो वो बड़े मुझे कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आप आ गए ना बीच में, अब मेरा वो थोड़ा सा फीका फीका सीन हो गया। नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं, वैसे ये मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे काफ़ी सीन आपने यूज़ किए हैं, मेरे थे इतने सीन, आपने सारे सीन
ट्रेलर में डाल दी। असि व्यूज भी तो लेने था ना, हूँ साढ़े ना आए ना तेरे ना तो लेने। नहीं नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ेदार लगा। तो मुझे बताएं ये जितनी देर बाद में जितना मैं वेट कर रहा था ट्रेलर आने का, अब मुझे एपिसोड आने का तो नहीं वेट करना पड़ेगा? नहीं, हमने डेट अनाउंस कर दी है, इंशाल्लाह 14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन ये वेब सीरीज भी आज़ाद हो जाएगी, 14 अगस्त को हम रिलीज़ कर देंगे। पक्की बात है, मैं ये ना 14 अगस्त को वेट कर रहा हूँ और बस परेड होए और बस परेड खत्म हो जाए। नहीं नहीं, 100% श्योर है 14 अगस्त को फिल्मिक्स एंटरटेनमेंट पर इसका ट्रेलर आ जाए, पूरी वेब सीरीज आ जाएगी। जी मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब, जिन्हें आप रन मुरीद के नाम से भी जानते। कैसे सर जी? अल्लाह का शुक्र, दुआवां तुहाडे। सर मुझे बताएं ये ट्रेलर लॉन्च हुआ आज रन ये शेख दी जट्टी का, तो मुझे बताएं कैसा लगा? जी कमाल, मज़ा आया। तो पंजाबी कल्चर उन्होंने प्रमोट किया, तो साढ़े जोड़ा कोई बंदा पंजाबी बोले उन्होंने पेंडू है, बहरहाल बड़ा मज़ा आया। तो जरूर वेखो तो इंशाल्लाह तुहानू भी मज़ा आएगा। पंजाबी वैब सीरीज इनू प्रमोट किया गया है, तो पंजाबी जी साड़ी जुबान भी है तो इन बोलना चाहिए। तो मुझे बताया आजकल टिकटॉक कैसा जा रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। ही मशहूर, ठीक है वो पता नहीं किधर है, ठीक है मेरे साथ इधर मरूम अहमद बुला। अस्सलाम वालेकुम, रोटी खोल गई मन उठ जान दो। मैं बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत ज्यादा जिवें तुसी कहंदे हो ओवें सही। नहीं, मैं नहीं, रोटी खा लूं। मुझे पता आप खाना खाने आए, मगर ये ना ये शेख दी जट्टी का ट्रेलर आपने देखा, कैसा नहीं लगा? मुझे बुरा नहीं लगा, उसकी वजह ये बहुत अच्छा था और पंजाबी प्रमोट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान से भी कोई अच्छी चीज निकले खदादा वास्ते, थोड़े बजट कुछ चंगी शायद बना लिया करो, कुछ नहीं होता फाका होएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, आपके भी इसके अंदर एक सीन मैंने देखा। जी बिल्कुल। आप क्या बने हुए हैं इसमें? इसमें मैं, इसमें मेरा भी सीन है। हाँ है। पैसे नहीं दिए ना? वो तो मुझे भी नहीं दिए। लेकिन आपको आपकी जरूरत और सहूलत के मुताबिक कंपनसेट तो कर दिया गया था। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मुझे बताया क्या रोल? गया मेरा जिसमें रोल एक वकील का है। वो तो वैसे भी वकील है। और भाई मैंने एक्टिंग नहीं आती, वो कहते जो तू है ना वही कर दे। ठीक है, ये भी सही है। अब ऐसा ही है, ऐसी रोजी चली जा रही है, जब तक लोग जो है वो वही देखना चाहेंगे जो हमेशा से देखते हैं, तब तक हमारी जय जयकार है। जी मेरे साथ मौजूद है माद और हसन, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये आप ना शेख दी जट्टी के ट्रेलर के लॉन्च पे आए, कैसा लगा? हमें यहाँ ट्रेलर में आके बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हम आपको ही को बात करेंगे कि एक तो भोला रिकॉर्ड का हमका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा और हमारा भी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लैला जट्टी का परफॉर्मेंस है अगर ई हैदराबादी जुबान में हो पिचकारी के साथ तो और अच्छा लगे। नहीं वो हो सकता है ऐसा करते हैं सबटाइटल यूज कर लेते हैं, लेकिन ई काम बेहतर नहीं है। ई काम सबटाइटल में आप लिख तो देंगे लेकिन जनता समझ नहीं पाएगी जब तक ई बोला नहीं जाएगा। डबिंग आप लोगों की यूज कर सकते हैं, लोगों की हो सकता है। मुझे बता आप लोगों की लैला जट्टी के ऊपर डबिंग कैसी रखेगी? अगर हम करेंगे तो हमारा डबिंग बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम उर्दू भी बोल लेते हैं, हैदराबादी भी, पंजाबी तो हम बहुत ही अच्छा बोलते हैं। औरतों की जुबान बोल सकते हैं, बोल के देखा? देखिए बात ये है, मैं इतना गलती नहीं करती, लेकिन फिर भी वेख लो तुसी। तो तुम्हें पता मेरी पहुंच 3 गुना ज्यादा आएगी, तू मैं एक गाल कटेगा मैं तुम 3 कटांगी। तुसी गाना नहीं सुने साडा बम आ गया बम आ गया फिर ना कहीं के जट्टा बम आ गया। अच्छा ये आपका है? ये हम दोनों ये इंडिया की कुड़ी है जैस्मिन सैंडर्स, और गाना सानू भी बहुत पसंद है। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपने गाया। नहीं नहीं, वो सानू का गाना बहुत पसंद है, उस गाने की कॉपी करते थे। ठीक है वो तो ठीक है। हाँ तुम्हें पता वो करैक्टर डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हाँ उसकी भी सानू इंकरी आती है बड़ी चंगी। अच्छा मेरे मुझे पता आप लोग टिकटॉकर्स तो नहीं है? नहीं हम टिकटॉकर्स, शुक्र है शुक्र है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अच्छी बात, मुझे जहर लगते हैं टिकटॉक। नहीं हम वैसे बेसिकली हम स्टडी करते हैं सीएस की सुनो, लेकिन हमें आपके साथ इंटरव्यू करने का बहुत ज़्यादा मन था कि हम आपके साथ एक बार मिले, तो इसे मौका मिला यहाँ पर लैला जट्टी के प्रोग्राम में, तो हम बहुत बहुत खुशगुजार हैं हमें आपके साथ ऐसे बात करने का मौका मिला। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं नहीं आप में है टैलेंट, मैंने वैसे कह दी मगर कोई मसला नहीं। आपकी ठीक है ठीक, लेकिन मैं आपके लिए एक दो लाइनें कहूँगा गाना चाहूँगा। जी जी वो आते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम
है जिसको छुपा रहे हो राजा। बहुत अच्छा था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दिल से लिया आपके लिए गाना गया, मेरा मजाक बना रहे। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं, मुझे हुआ उन्हें वो जो होते थे ना इमोशन आ रहे, इमोशन। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं जाम सफदर साहब। आपने इन्हें देखा होगा काफ़ी जगह पे वीडियोस में और ये बड़े फेमस है। कैसे सर? वालेकुम सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? सर मुझे बताएं आप जहाँ ज़मीन पे कैसे हैं? ज़्यादातर मैं आपको आसमानों में ही देखा। सर जी, पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम भी ज़मीन पर आ गए। अच्छा, नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, खुद नहीं उड़ सकते, कुछ ऐसा स्पेशल करें? नहीं, खुद नहीं उड़ सकता ना, खुद कहाँ उड़ सकते हैं। मैंने सुना वो सिगरेट पी कर उड़ जाता बंदा। नहीं, वो तो जहाज़ बन जाता है। ठीक है ठीक है। नहीं, ये तो जहाज भी तो उड़ते हैं। हाँ, तो जहाज खुद नहीं उड़ता, पायलट बैठाना पड़ता है। तो मुझे बताइए, ये जो आप उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं? वो जनाब मैं अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से उड़ता हूँ, वो बताना नहीं है, नहीं तो फिर सारे उड़ने लग जाएंगे। अच्छा, वही नहीं, वो हरा पर्दा यूज करते हैं। आपने पहचान लिया। जी, मेरे साथ मौजूद है शेख दी चट्टी के डायरेक्टर साहब। कैसे हैं सर? सर मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? सर मुझे बताएं, ये ट्रेलर देखा है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त लगा है, तो आपको इतना अरसा टाइम क्यों लग गया ये बनाने में? बेसिकली जब आपको पता है कि अच्छी चीज़ निकालनी हो तो उस पर टाइम तो लगता है ना, फिर तो वो मेहनत होती है, फिर कलर ग्रेडिंग हो गई या इस तरह की जितनी भी एडिटिंग में मेहनत होती है या उसका कॉन्सेप्ट बनाने या सारी चीज़ों पे मेहनत होती है। आपको पता ही है, आपके शो पे तो नहीं इतनी मेहनत होती, लेकिन वेब सीरीज पे मेहनत होती है। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, आपने मेरे काफ़ी सीन यूज़ किए हैं, तो वो वैसे ही यूज़ हो गए या फिर आपने मुझे खुश करने के लिए की? नहीं नहीं, आपकी एक्टिंग से हम इतना मुतासर हुए कि हमें मजबूरन वो करने पड़े, हम करे बगैर रह नहीं सकते, हमें वो मजबूरन करने पड़े। माशाल्लाह आप एक्टिंग, फिर क्या ही बात है। आप बताएं, आप बताएं। वो तो ये आपके पीछे कोई आ गया है, ये कौन है? ये पता नहीं कौन है, बात सुनो। आप मेरी एक टांग लकड़ी की है अहमद भाई, दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरी एक दफा टांग तोड़ दी, लेकिन आज बड़ा जल दबाव वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे बताएं लॉन्च कब हो रही है एपिसोड? इंशाल्लाह 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था उस दिन शेख दी चट्टी आजाद होगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है अली खान साहब, और आज का शो भी के एंकर जी यहीं थे। ठीक है, तो कैसा रहा आज का इवेंट? नहीं जी, आज बड़ा मज़ा आया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनको इंटरव्यू दूं, और मैंने इनको स्पेशली कहा था कि मेरा इंटरव्यू आपने लेना है। और आज के इवेंट के हवाले से ये था कि हमारे यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया के स्टार हैं, उन्होंने आज अपनी काविश, जो उन्होंने इतनी एक मूवी बनाई थी, उसका ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ है, तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बहुत मज़ा आया, ये भी उनमें उसमें काम कर रहे थे, कॉमेडी का इनका बड़ा तहलका था। मरहूम बिलाल मरहूम थे साथ, और कास्ट का पूरा नाम मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने ट्रेलर ये भी देखा, पूरी मूवी देखूंगा। और थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं ये आपको ट्रेलर शेख दी चट्टी का कैसा लगा? हाँ, ट्रेलर बहुत मज़े का था, ट्रेलर सेंस बहुत अच्छी थी, कॉन्टेंट बहुत अच्छा था, और एडिटिंग पोस्ट पर काम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, मुझे बताएं इसकी क्या कहते हैं, इसके अंदर भोला है, ठीक है, तो भोले का आपको कैसा लग रहा है कि इसने एक्टिंग कैसे की हो? हाँ जी, भोले के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोला एक पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा अदाकार है, अच्छा काम भी किया, बोले भी अच्छे, वो वैसे ही कॉमेडियन, देखने भी कॉमेडियन लगते हैं, उनके आने से फिल्म में एक डिफरेंट जान पैदा हो गई। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कमेंट सुने, लोगों की बातें सुनी, ये सब लोग शेख दी चट्टी के ट्रेलर लॉन्च पे आए हुए थे, ये देखें भोला जी, ठीक है, और बोला जी मेरे सामने आगे कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, और शेख दी चट्टी का ट्रेलर आप लोगों ने ज़रूर देखना, और कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। शुक्रिया।